हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी शरबत की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे पीकर आपके पूरे बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी और आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम एक्टिव हो जाएगी, जो कि है बेल का शरबत। चलिए बनाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। सबसे पहले हमें बेल को तोड़ना है। आप बेलन की मदद से भी बेल को तोड़ सकते हैं। बेल को तोड़ के इसके सारे पल्प हमें निकाल लेना है। देखिए कितना अच्छा बेल है, एकदम फ्रेश बेल है। अब गर्मी आ चुकी है, अब मार्केट में बहुत ही बेल मिलने लगा है। हम चम्मच के मदद से इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। चम्मच से ये बहुत आसानी से निकल जाता है। सारा पल्प हमने निकाल लिया है। इसके बाद हम इसमें पानी डाल लेंगे। अगर ये एकदम फ्रेश बेल है, नरम बेल है, तो हम इसे फटाफट अपने हाथों से मसल मसल के इसका सारा रस निकाल लेंगे। अगर ये थोड़ा हार्ड बेल है, अगर ये पक्का नहीं है ज़्यादा, तो इसे हमें पानी डालकर एक घंटा के लिए रख लेना है ताकि ये सॉफ्ट होके अच्छे से इसका पल्प निकल जाए। हाथों से ये बहुत आसानी से इसका सारा पल्प हम निकाल सकते हैं। निकालने के बाद फिर एक बाउल में छन्नी रखेंगे। छन्नी के बाद इसे हमें एकदम छानना है। चम्मच से घुमा घुमा कर इसका सारा पल्प हमें निकाल लेना है। अगर आप इसे मिक्सी में डाल देंगे तो इसका बीज जो है वो कड़वा होता है, वो शरबत को कड़वा कर देगा। आप इसे छन्नी की मदद से ही इसका पल्प सारा अलग कर दीजिए। हम इसका फाइबर और बीज एकदम अलग कर देंगे। इसे अब फेंके नहीं, इसे हम एक अलग जगह पर रख लेते हैं। देखिए, फिर इसके बाद हमें ये बीज और फाइबर में थोड़ा पानी और डालकर अपने हाथों के मदद से इसका सारा वो जो रस है वो निकाल लेंगे। फिर उसके बाद फिर से छन्नी की मदद से हमें इसे छान लेना है। देखिए कितना अच्छे से सारा पल निकल गया है और इसका फाइबर और बीज जो है वो उसको हम फेंक लेंगे। इसका कंसिस्टेंसी एकदम बराबर है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे दो केले को ले रही हूँ, इसे एकदम मैश कर लेंगे। फिर एक बाउल में मैं यहाँ पे फिर हम बाउल में कुछ पल्प ऐड करेंगे। आप अभी जितना इसको बनाना चाहते हो उतना ही पल्प ऐड करें और बाकी आप इसे फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दो केले ऐड कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद ग्रेटेड कोकोनट, नारियल को घिस के इसमें डाल रही हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे छेना ली हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, लेकिन इसके ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट और टेक्सचर आता है और पीने में बहुत मज़ेदार लगता है। फिर हम उसे एक ग्लास में सर्व करेंगे। मैं यहाँ पे ऊपर में थोड़ा ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। फिर इसके बाद काजू, थोड़े किशमिश, घिसा हुआ नारियल और कुछ टूटी फूटी डालकर इसे हम सर्व करेंगे। आप इसे बर्फ के साथ भी सर्व कर सकते हैं, एकदम ठंडा। जिसको ठंडा पसंद नहीं है आप इसे ऐसे ही पी सकते हैं। ये आप एक बार बेल की शरबत को ऐसे ट्राई कीजिए, छेना, बनाना, ब्लैक पेपर ये सब ऐड करके। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, पीने में बहुत मज़ेदार लगता है।
आप अपने घर में बना के आप अपने फैमिली के साथ इसे एंजॉय कीजिए इस गर्मी के मौसम में। आपको ये शरबत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा।